दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कुछ पल होते हैं जो यादगार बन जाते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दिल के अंदर दस्तक देकर छुप जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम अमृत की तरह घोल चुकी है, सुरैया। वो नाम जो सिर्फ एक सितारा नहीं बल्कि पूरे आसमान का एक रोशनी भरा अफसाना थी, जो आज भी दिलों पर राज करती है। तो दोस्त, तैयार हो जाइए एक सफर पर ले जाने के लिए, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक कहानी और हर दोस्त है एक नए राज का पता। सुरैया, जिनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख, एक ऐसे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं, जहां फिल्म इंडस्ट्री अभी अपनी पहचान बनाने में लगी थी। उनका जन्म हुआ था 15 जून 1929 को गुजरांवाला, जो आज के पाकिस्तान में है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी एक चमत्कारी गवैया और अभिनय के रूप में। वो एक आवाज थी जिसमें चांदनी की ठंडक थी और आग का जोश था। एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में उन्हें शुरू करने की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सुरैया सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक मासूम मोहब्बत का पैगाम बन गई थी। दोस्तों, ये वो जमाना था जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे कलाकार के जादूगर बॉलीवुड को अपना रंग दे रहे थे और सुरैया उनके साथ छोटी सी छोटी कहानी को भी सितारों से सजा देती थी। दोस्तों, सुरैया ने एक से बढ़कर एक फिल्म दी है जो आज भी लोगों के दिलों में अपनी छवि छोड़ती है। चलो बात करते हैं उनको कुछ फिल्मों के बारे में जो बॉलीवुड के स्वर्णिम युग का हिस्सा है। मिर्जा गालिब। दोस्तों, अगर सुरैया का नाम बॉलीवुड के कवलों में है तो मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों की वजह से। ये फिल्म एक ऐसे शायर के ऊपर थी जो अपनी जज्बात और शायरी से दुनिया को नई पहचान देता है। सुरैया ने इस फिल्म में नूरजहां का किरदार निभाया और उनको जो गाने गए उन्होंने आज भी उसी जज्बात और दर्द को महसूस किया जा सकता है। दिल ये नादा तुझे हुआ क्या है सुरैया की आवाज में एक अमर नगमा बन गया। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे कुछ पल होते हैं जो यादगार बन जाते हैं और ऐसे कुछ लोग होते हैं जो दिल के अंदर दस्तक देकर छुप जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो बॉलीवुड के इतिहास में अपना नाम अमृत की तरह घोल चुकी है, सुरैया। वो नाम जो सिर्फ एक सितारा नहीं बल्कि पूरे आसमान का एक रोशनी भरा अफसाना थी, जो आज भी दिलों पर राज करती है। तो दोस्त, तैयार हो जाइए एक सफर पर ले जाने के लिए, जहां हर मोड़ पर छुपी है एक कहानी और हर दोस्त है एक नए राज का पता। सुरैया, जिनका पूरा नाम था सुरैया जमाल शेख, एक ऐसे जमाने की मशहूर अभिनेत्रियों में शुमार की जाती हैं, जहां फिल्म इंडस्ट्री अभी अपनी पहचान बनाने में लगी थी। उनका जन्म हुआ था 15 जून 1929 को गुजरांवाला, जो आज के पाकिस्तान में है। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान बनाई थी एक चमत्कारी गवैया और अभिनय के रूप में। वो एक आवाज थी जिसमें चांदनी की ठंडक थी और आग का जोश था। एक बाल कलाकार के रूप में फिल्म उद्योग में उन्हें शुरू करने की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब सुरैया सिर्फ एक सुपरस्टार ही नहीं बल्कि एक मासूम मोहब्बत का पैगाम बन गई थी। दोस्तों, ये वो जमाना था जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर जैसे कलाकार के जादूगर बॉलीवुड को अपना रंग दे रहे थे और सुरैया उनके साथ छोटी सी छोटी कहानी को भी सितारों से सजा देती थी। दोस्तों, सुरैया ने एक से बढ़कर एक फिल्म दी है जो आज भी लोगों के दिलों में अपनी छवि छोड़ती है। चलो बात करते हैं उनको कुछ फिल्मों के बारे में जो बॉलीवुड के स्वर्णिम युग का हिस्सा है। मिर्जा गालिब। दोस्तों, अगर सुरैया का नाम बॉलीवुड के कवलों में है तो मिर्जा गालिब जैसी फिल्मों की वजह से। ये फिल्म एक ऐसे शायर के ऊपर थी जो अपनी जज्बात और शायरी से दुनिया को नई पहचान देता है। सुरैया ने इस फिल्म में नूरजहां का किरदार निभाया और उनको जो गाने गए उन्होंने आज भी उसी जज्बात और दर्द को महसूस किया जा सकता है। दिल ये नादा तुझे हुआ क्या है सुरैया की आवाज में एक अमर नगमा बन गया। दोस्तों, सुरैया की जिंदगी के आखिरी पड़ाव में उन्हें आपने अपनी फिल्म से अलग कर दिया था। 1963 में उन्हें अपनी आखिरी फिल्म रुस्तम सोहराब की थी और उसके बाद वो इंडस्ट्री से दूर हो गई थी। अनहोनी अपनी जिंदगी की तन्हाई में गुजारी, लेकिन उनका नाम और उनकी यादें लोगों के दिलों में जिंदा रहीं। सुरैया कैसे अपने अंजाम तक पहुँची ये भी एक राज ही रहा, लेकिन उनका असर आज भी बॉलीवुड के चांद सितारों में दिखाया गया है। सुरैया सिर्फ एक नाम नहीं थी, एक कहानी थी जो समय के पन्नों में लिखी गई और जिंदगी के हर पल में महसूस की गई। उनका दर्द, उनकी मोहब्बत और उनकी कलाकार बॉलीवुड का वो शानदार इतिहास है जिसे भूलना मुश्किल है। आज भी सुरैया के गाने हमें उनके सुकून और उनके जज्बात के करीब ले जाते हैं। और दोस्तों, याद रखो, जिंदगी भी एक फिल्म की तरह होती है जिसमें हर मोड़ पर कुछ नया सीखने को मिलता है। हमेशा ये याद रखें, जैसे सुरैया ने अपना दर्द और तन्हाई के साथ अपने हुनर को कभी थकने नहीं दिया, वैसे ही हम सबको भी अपनी जिंदगी के मंजिलों पर चलना है
बिना कभी रुकने के। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी को यही समाप्त करते हैं। आपको सुरैया की यादें और उनकी फिल्में कौन सी पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।